टीवीएस कंपनी का CC453 स्टार प्लस मिक्स काउंटिंग करेंसी काउंटिंग मशीन है ये। ये मशीन ऑन ऑफ प्लगिंग यहाँ पे करना है ऐसा। ये एक्स्ट्रा डिस्प्ले का है, एक्स्ट्रा डिस्प्ले आपको इससे आएगा। और ये ऑन ऑफ स्विच है। अभी इसमें एक डस्ट कवर आएगा आपको, उस डस्ट कवर को हम अगर जरूरत नहीं तो कवरिंग कर सकते हैं सेम स्टेप से। अगर जरूरत नहीं तो आप मशीन ऑफ करके कवरिंग कर सकते हैं, इससे डस्ट अवॉइड होगा। नेक्स्ट इस मशीन में एक सर्विस मैनुअल आएगा आपको, जो मशीन कैसे ऑपरेट करने का मैनुअल रहेगा। इसके अंदर आपको एक ब्रश आएगा, वो ब्रश आपको सेंसर क्लीन करने के लिए यूज आएगा। और दो मोटर बेल्ट आएगा, जो अंदर मशीन के अंदर बेल्ट रहेगा वो बेल्ट आपको यूज आएगा। और साथ में फ्यूज आएगा, अगर पावर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो गया तो फ्यूज चला गया तो फ्यूज भी आप चेंज कर सकते हैं आपको। अब इस मशीन को हम चालू कर रहे हैं। ये अभी इधर मशीन चालू हो गया है, इसमें अभी आपको स्पीकर ऑप्शन ऑन है, तो इसमें अभी टॉकिंग ऑप्शन भी ऑन रहेगा आपको। इसको हम अभी ऑफ भी कर सकते हैं, स्पीकर ऑफ भी कर सकते हैं। इसको स्पीकर ऑफ कैसे करना है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी स्पीकर ऑफ करना है तो मशीन को ऑफ कीजिए, पहले स्टार्ट बटन को एक बार प्रेस करके रखिए और मशीन को ऑन कीजिए, तो एक बीप साउंड आएगा। बीप साउंड आता है स्पीकर आपको ऑफ हो जाएगा, तो मशीन डिस्प्ले में आपको स्पीकर ऑप्शन चला जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको स्पीकर का ऑप्शन चला गया। अभी आपको फिर से स्पीकर चाहिए तो फिर से सेम मशीन को ऑफ कीजिए, फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस करके फिर से ऑन कीजिए, एक बीप साउंड आएगा और छोड़ देना हाथ को, तो आपको डिस्प्ले में आपको स्पीकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे स्पीकर आ गया आपको। जैसे कि नेक्स्ट इसमें और एक मोर, जैसा है ऑटोमेटिक काउंटिंग भी होता है और मैनुअल काउंटिंग भी होता है। यहाँ पे भी मशीन में एक्टिव हुआ है ऑटो। ऑटो बोले तो आपको कैसा आता है, आप करेंसी लेके रख दिया आपको ऑटोमेटिक काउंटिंग हो रहा है। सेम ऑप्शन में आपको 100 pieces, total value 20,000 rupees। सेम ऑप्शन आपको अभी मैनुअल करना है, तो स्टार्ट बटन को ऑन के कंडीशन में स्टार्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखिए। मैनुअल हो गया, यहाँ पे MNL करके आ गया है, ये मैनुअल हो गया। मैनुअल बोले तो आपको मशीन को क्या है नोट रख दिया और मशीन को बोलना है कि काउंट करो करके, तो इसको स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो मशीन काउंट होगा। ये आपको मैनुअल और ऑटो उसका कैसे यूज करना हो गया। अभी मशीन का अभी इस मशीन का स्पीकर ऑफ हो गया। अभी हम इसमें मिक्स काउंटिंग करेंगे। पहले मैं इस कीपैड का आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इसमें आपको मोड बटन एक है, ऐड बटन है, करेंसी है, स्टॉट है, बाकी का नंबर है। अभी मोड में आपको ऐसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा, इसमें चार ऑप्शन हम काउंटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आएगा मिक्स, तो अभी एक जब कंपनी से जो मशीन चालू होता है मिक्स में चालू होता है। नेक्स्ट आप उनको मोड बटन प्रेस करेंगे, शॉर्ट ऑप्शन आएगा, इसका क्या फ्यूचर मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ। नेक्स्ट आएगा आपको डिटेक्ट मोड आएगा, और नेक्स्ट मोड आएगा आपको काउंट मोड आएगा। ये चार मोड से हम काउंटिंग कर सकते हैं। फिर से आप प्रेस करेंगे तो मिक्स मोड आ जाएगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा करेंसी, करेंसी बोलो तो आपको इंडियन करेंसी बता रहा है यहाँ पे, USD आएगा, यूरो आएगा, इंडियन आएगा। और नेक्स्ट और एक ऑप्शन आएगा ऐड करके आपको, हम इसको प्रेस करेंगे तो इधर डिस्प्ले में ऐड करके आ जाएगा। इसका भी प्रोसेसर क्या है मैं आगे वीडियो में बताता हूँ आपको। मैं अभी हम अभी मिक्स काउंटिंग कर रहे हैं इस मशीन में। मैंने सब पूरा मशीन का मिक्स काउंटिंग करेंसी के लिया हुआ है इसमें। अभी काउंटिंग करने के टाइम अभी थोड़ा स्लैंड करके रखिए नोट को बस। ये आपको मिक्स काउंटिंग हो गया है, इधर 2000 का, 500 का, 200 का, 100 का, जो नंबर ऑफ पीसेस आ गया, टोटल वैल्यू आ गया इसमें। इसे ऐसे में इसमें एक फेक नोट डाल रहा हूं, जैसे कि एक पेपर डाला हुआ है मैंने। फेक नोट आते ही आपको यहाँ पे एरर बता, लाल कलर का अलर्ट बताएगा, एरर हो जाएगा आपको, सस्पेक्टेड नोट करके बता रहा है आपको। हम इसको निकाल के फिर से रिस्टोर बटन कर दे तो कंटिन्यू हो जाएगा आपको। ये हो गया मिक्स मोड हो गया। नेक्स्ट हम इसको शॉर्ट मोड में जाएंगे। शॉर्ट मोड बोलो तो अभी हम समझिए मेरे पास पूरे 200 रुपए का नोट है अभी बंडल, इसमें अगर हमने एक करेंसी डाला होगा 100 रुपए का बीच में, फर्स्ट नोट अभी 200 रुपए का नोट है तो सिर्फ 200 रुपए का नोट आना, अगर दूसरा करेंसी आ गया तो मशीन रुक जाएगा आपको।
ये देखिए 100 रुपए का करेंसी आ गया इसलिए मशीन रुक गया है। क्यों बताओ, हमने पहले 200 रुपए रखा हुआ, पूरा 200 आने 100 रुपए आ गया, मशीन रुक गया है। ये 200 का 100 है, 20,000 रुपए हो गया। नेक्स्ट मोड आएगा इसमें आपको डिटेक्ट मोड। ये डिटेक्ट मोड में क्या होगा, आपको सिर्फ नंबर ऑफ पीसेस काउंट होगा और फेक नोट रहे तो पकड़ लेगा। ये अभी सिर्फ मैं नंबर ऑफ पीसेस डाल रहा हूँ इसमें, तो इसमें आपको डिस्प्ले में सिर्फ नंबर ऑफ पीसेस बता रहा है। इसमें मैं फेक नोट ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि पेपर एक ऐड कर रहा हूँ मैं। डिटेक्ट मोड में भी आपको फेक नोट पकड़ रहा है मशीन। ये आपको 101 पीस बता रहा है, जैसे कि फेक नोट भी हो गया। और एक नेक्स्ट मोड आएगा आपको काउंट मोड। काउंट मोड में कैसा है, आप इसमें पेपर भी डालिए, करेंसी भी डालिए, सब कुछ डालिए, सब कुछ काउंट कर देगा, किसी को भी रोकेगा नहीं इसको। देखिए काउंट, पेपर भी काउंट हो गया, इसमें पेपर भी काउंट हुआ है। सिंगल पेपर भी डालेंगे तो काउंट मोड में काउंट हो जाएगा आपको नॉर्मल। और एक मोड आएगा नॉर्मल, हमारा मिक्स मोड है, ये आपको सब कुछ काम कर देगा, सब काम एक ही मोड में हो जाएगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें अगर हमारे को बैच, जैसे कि हमारे को 100 नोट है इसमें 50 में रोकना है, तो अपन मोड बटन को 2 बार प्रेस करना है, डिटेक्ट मोड आएगा। इसमें समझिए अभी हमारे को 50 पर रोकना है, तो 50 लिख दीजिए। अभी हमें यहाँ पे 50 को सेट किया, 50 को रुक गया। जैसे कि उठा के नीचे रखेंगे तो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरे को इसको कैंसिल करना है 50 को, तो सी बटन प्रेस कीजिए, कैंसिल हो गया। जैसे कितना चाहिए अभी 20 को आपको रुक जाएगा आके मशीन, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना में आके रुकेगा। 20 को रुका है, फिर से 20 में 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 रुका है। अभी हमारे को नहीं 20 नहीं चाहिए तो सी बटन प्रेस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिर से मोड बटन प्रेस करेंगे तो मिक्स मोड आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें ऐड ऑप्शन है, अभी हमने ऐड किया है तो यहाँ पे ऐड ऑन हो गया है। जैसे कि ये कितना करेंसी मेरे को पता नहीं, अभी मैं इसमें डाल रहा हूं। अब इसमें 19,700 रुपीज है। फिर से हमें कंटिन्यू करेंगे तो वो ऐड होता जाएगा करेंसी, कितनी बार डालते जाएंगे तो करेंसी ऐड होता जाएगा। 19,700 का डबल हो गया, 39,400 हो गया, वो ऐड ऑप्शन है। अब और को ऐड नहीं चाहिए तो फिर से ऐड को प्रेस करेंगे तो ऐड क्लोज हो जाएगा। ये पूरा मशीन का आपको 1 साल का वारंटी है, ऑन साइट वारंटी है, सब कुछ एक्यूरेट बताएगा। और फ्यूचर में भी आपको इस मशीन का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेबल है, अगर समझे आगे भी कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है तो भी हम इजी से सॉफ्टवेयर अपग्रेडेबल कर सकते हैं इसका, और एक्स्ट्रा डिस्प्ले भी इस टाइप का वर्किंग होएगा आपको। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।